मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने व निर्माणाधीन फिल्म आयशा पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा, शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। हम लोग आज हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले आज जिलाधिकारी कार्यालय पर दिल्ली में कारी उवैस साहब, जो हाफिज़े कुरान थे, कारी थे, वो मदरसे में पढ़ाते थे, शामली के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली गए थे घूमने के लिए। चांदनी चौक इलाके पर फुटपाथ पर हेडफोन खरीदने को लेकर दुकानदारों से विवाद हुआ। दुकानदारों ने भीड़ तंत्र ने मिलकर मॉब लिंचिंग के तहत भीड़ तंत्र ने मिलकर उन्हें मारते हुए मार डाला और इतना मारा कि वो ख़त्म हो गए। और हमारी मांग ये है कि भारत के अंदर अभी तबरेज अंसारी को मारा गया भीड़ द्वारा, उसके पहले पहलू खान को मारा गया, अब मौलाना कारी उवैस साहब को मारा गया। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ये मांग करती है राष्ट्रपति महोदय से, जो ज्ञापन दिया हूँ जिलाधिकारी को, कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस कस्टडी में दो मुलजिम को, ना कि आप जज बनिए, ना कि आप ऑन प्लेस ऑन रोड आप उसको मार डालिए। इसलिए भारत के अंदर ये आतंकवाद बंद होना चाहिए भीड़ तंत्र का। और वसीम रिजवी शिया मुस्लिम ने जो पिक्चर बनाई है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्नी हजरत आयशा के नाम से, आयशा के नाम से जो मूवी बन रही है, हम उसका विरोध करते हैं कि मुसलमान किसी भी कीमत पर हजरत आयशा माता के नाम से पिक्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वसीम रिजवी जो शिया है, जिसने ये पिक्चर बनाई है, उस पर बैन लगना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ये मांग करती है राष्ट्रपति महोदय से। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।